और बेमौसम बारिश ने विदर्भ में गेहूं, चना और अन्य रबी फसलों के साथ ही साथ संतरे और आम सब्जियों की फसलों की आवक को नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को विधानसभा में मांग की है कि पंचनामा बनाया जाए और मुआवजा तुरंत दिया जाए। पिछले दो दिनों से ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले होली के दौरान भी इसी तरह का नुकसान हो चुका है और इसके लिए पंचनामा किया जा चुका है, लेकिन उन्हें भी मदद की घोषणा नहीं की गई है। अब फिर से संकट के कारण किसानों पर आसमान टूट पड़ा है। इसको लेकर अनिल देशमुख ने राज्य सरकार से तत्काल पंचनामा व मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा नागपुर जिले में 8 महीने पहले भारी बारिश के कारण संतरे और आम खराब होने के बावजूद कोई मदद नहीं की गई थी। क्षति आकलन रिपोर्ट में राज्य सरकार को भेजी गई है। अनिल देशमुख ने मांग की है कि इसे विधानसभा में तत्काल मंजूरी दी जाए। संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये काल परवा मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस आला, गारपीट झाली। विदर्भामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस आला, गारपीट झाली आणि मोठ्या प्रमाणात संत्रा असो, मोसंबी असो, हरभरा असो, चना असो, गहू असो, या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष मोदी नुकसान झालेलं आहे आणि याचे पंचनामे लवकरात लवकर झाले पाहिजे। आपल्याला माहिती आहे होळीच्या वेळेस सुद्धा अशाच पद्धतीचा अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली होती, त्याचे पंचनामे झाले आहे, पण त्याला सुद्धा आतापर्यंत मोबदला मिळाला नाही। त्याच्यामुळे याचे लवकरात लवकर पंचनामे झाले पाहिजे आणि तुमचा संत्र्याचं नुकसान असो, मोसंबीचं नुकसान असो, गहू असो, चना असो, या सर्व पिकाला त्यांना लवकरात लवकर शासनाच्या माध्यमातून त्याचे नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।